हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं NTPC लेवल 5 का 15 जून का सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के अंदर GK के जितने भी सवाल हैं, 40 प्लस सवाल आपके सामने हैं और ये रियल प्रश्न हैं जो सेकेंड शिफ्ट में आए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। और चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो 39 सवाल जो मैं हूँ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला जो सवाल है वो आपको तरीके से आया था, नोबल प्राइज से रिलेटेड था और ये जियो रोर्जियो पेरिसिस को नोबल पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र में दिया गया है, कुछ इस तरीके से पूछा गया था। सेकंड सवाल के अंदर जो था, ब्रिटिश अवध पर कब्जा इन्होंने कौन से सन में किया है, ईयर पूछा था इन्होंने एग्ज़ाम के अंदर। और बुक एंड ऑथर से जो सवाल था वो ए बर्निंग बुक किसने लिखी है, ये इसके अंदर पूछा गया था। चौथा सवाल जो था वो मुग़ल काल में कौन सा नामा नहीं था, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा अकबर नामा था, फिर जहांगीर नामा नहीं था, जहांगीर नामा, अकबर नामा और जैसे शाहजहां नामा, इस तरीके से उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे तो उनको बताना था कि कौन सा नामा नहीं था। और फिफ्थ सवाल में 1997 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी। असल मायने में ये जो सवाल है ये आर्ट एंड कल्चर का है, लेकिन इन्होंने इस सवाल को मॉडिफाई करके पूछा है तो बहुत से कैंडिडेटों ने इसको छोड़ दिया है, लेकिन शहनाई वादक जो भी है वो बिस्मिल्ला खां ही हैं और उन्होंने ही बताया था। ये आर्ट एंड कल्चर को मॉडिफाई करके इन्होंने हिस्ट्री से सिलेक्ट करके जब सवाल पूछा है तो बहुत से कैंडिडेटों ने ये वाला सवाल जो है वो छोड़ दिया है। सिक्स सवाल के अंदर 40वां यूनेस्को स्थल किसको बनाया, तो धोलावीरा जो है गुजरात का वहाँ को 40वां बनाया गया है। वहीं इन्होंने पूछा है सेवन सवाल में, आर्स पर्वत जो है कहाँ पर है, आर्स पर्वत किस तरीके का है, कहाँ पर है, ये इसमें पूछा गया था। एट सवाल के अंदर चीनूक गर्म हवा कहाँ चलती है। आज के जो सवाल थे वो 10 से 12 सवाल जो थे वो इजी सवाल थे, लेकिन उसके बाद आपको सवाल जो है वो मॉडिफाइड करके लैंग्वेज में पूछे गए थे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कैंडिडेट को, तो इसी वजह से GK के सेक्शन में NTPC में कोई भी कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 9 सेक्शन 9 जो सवाल है वो ग्रीन रेवोल्यूशन पे दो सवाल आए थे आज, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ है और ये कब शुरू किया गया था। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ 11 सवाल की, तो श्रीलंका और भारत को कौन सा स्टेट जो कौन सी चीज़ ऐसी जो अलग करती है, तो पाक स्टेट जो है वो अलग करता है क्योंकि ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है श्रीलंका। 12 सवाल अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा रेलवे का आर्क ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। और पैरा खेलों केंद्र कहाँ पर बनाया गया, तो ये लखनऊ में बनाया गया है। इस तरीके से ये सवाल को मॉडिफाई किया गया है, वरना ये सवाल इस तरीके था कि जो खेलों का केंद्र है सबसे पहले कहाँ बनाया जाएगा, तो वो लखनऊ में बनाया जाएगा, तो इन्होंने ये इस सवाल को भी मॉडिफाई किया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये वेरी इजी सवाल था, सभी कैंडिडेटों ने इसको सही किया होगा। SC ST एक एवं दुर्लभ को स्पेशली संरक्षण किससे मिला है, यानी कि इसमें अनुसूची के बारे में पूछा गया था कि कौन सी अनुसूची में SC ST को जो है आरक्षण मिला है, यानी संरक्षण मिला है। रिवोल्यूशन से यानी कि रिएक्शन से यानी कि साइंस से आपका एक रिएक्शन दिया हुआ था, उसका उन्होंने नाम पूछा था कि वो कौन सा रिएक्शन है। रेगिस्तान में गर्म हवा को किससे डिनोट किया जाता है, तो उन्होंने वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन तो पता नहीं चलते हैं, लेकिन जो सवाल है वो रियल सवाल है, इसी प्रकार का सवाल आपका आया था।
दूध पद्धति यानी कि बाइनरी नामांकरण किसने किया, लिनस ने किया है। कार्बन का कौन सा अप्रूफ है जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है, तो वो हीरा होता है। रोलट एक्ट सत्याग्रह आपका कब चलाया गया था, तो रोलट एक्ट जो है आपका 1919 में था। बाकी के सवाल आपके सामने ये रहे। मणिपुर में फेमस मार्टियल आर्ट को क्या कहते हैं, इस प्रकार का भी एक सवाल था। और ये असम के लोक नृत्य पर्व से ये पूछा गया था कि कौन सा असम के अंदर, चार ऑप्शन थे कि कौन सा नहीं मनाया जाता। कोंकण अभ्यास किन किन दोस्तों के बीच चला है 2021 में, तो इंडिया और यूके के बीच चला है, ये करंट अफेयर का सवाल था। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है या किस किस को दिया गया है, ये सब नहीं पता। शांति भटनागर अवार्ड एक सवाल आया था, ये इतना पता चल पाया है। अगर काव्य से बात करते हैं तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस देश में है, तो ये चंपा जो है बांग्लादेश के अंदर आपके अंदर आपको पूछा गया। और ये पीएम गति शक्ति यानी कि पीएम योजना चलाई है आपका, अगर आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको जितनी भी योजनाएं हैं वो सब देख लेने एक बार, उनसे सवाल आ सकते हैं। जनजाति महोत्सव आपका कहाँ मनाया था, तो जनजाति महोत्सव आपका जो है वाराणसी या फिर अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके के ऑप्शन थे वहाँ पर, तो उसमें आपको जो भी ऑप्शन सही होगा आपने पढ़ा होगा। लेकिन इस करंट अफेयर का सवाल है, यानी न्यायालय की जो व्यवस्था है भारत के संविधान के अंदर वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फिर श्रीलंका, ये सब ऑप्शन दिए हुए थे, तो वही है अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल में होता है, एक प्रकार का सवाल था। कंप्यूटर से सवाल आया था, सवाल क्या था वो ये तो नहीं सुन पाया, लेकिन कंप्यूटर से एक सवाल था, IPv4 में कितने डिजिट होते हैं ये पूछा गया था। और 33वां सवाल था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किस IIT ने विकसित किया है, इस प्रकार का सवाल था। और 38 सवाल था, वर्ल्ड बैंक को 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रामीण जनसंख्या देश की दर्ज नहीं की गई, तो ये USA, अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फिर आपका कुछ ऑप्शन थे, तो आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना था। और लास्ट में सवाल था, इन्होंने मगध की राजधानी कौन सी इनमें से रही है, इस वीडियो में जो मैंने बताए हैं आपको GK के साथ बताएं, क्योंकि मैथ का जो लेवल है मैथ्स के अंदर आपको सभी को पता है कि आप 35 में से 28 सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैथ्स के सवालों का लेवल है वो काफ़ी लेंथी है आपकी, अगर स्पीड कम है तो आप 28 भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो 35 में से अगर आपकी पजल पर अच्छी पकड़ है तो आप 35 में से 35 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पजल में पकड़ अच्छी नहीं है तो आप बस रीजनिंग के अंदर हो सकता है कि 22 या फिर 24 सवाल ही कर पाएं। पेपर बहुत ही लेंथी है, आप शुरू से ही उसको स्टार्ट कीजिएगा तेज़ी में, अगर आपने तेज़ी से स्टार्ट नहीं किया तो आप बहुत से सवाल लास्ट में देख नहीं पाएंगे और आपका पेपर जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा विद इन मिनट के अंदर आपको सवाल सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड स्लो है, आप कैलकुलेशन में थोड़े वीक हैं, तो आप पेपर को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको सवाल अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप उनको देखते कीजिए, उनको पढ़कर टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।